बोलो बोलो सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र भगवान की भगवान जय। विविध बाकी मंगल कलश ग्रह ग्रह रचे सवार, सुर ब्रह्मादि सिहाई सब रघुवर पुरी निहार। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया राम। भूप भवन तई अवसर सोहा, रचना देखी मदन मनु मोहा। मंगल सगुन मनोहर ताई, प्रीति सिद्धि सुख संपदा सुहाई। जनु उछाह सब सहज सुहाई, तनु धरि धरि दशरथ गृह छाई। देखन हेतु राम बई देही, कहु लाल सा हो इनके ही। जूत जूत मिल चली सुवासिन, निज छवि निधरइ मदन बिलासन। सकल सुमंगल सजे आरती, गावहि जनु बहु बेश भारती। भूपति भुवन कोलाहल होई, जायन बरनि समउ सुख सोई। कौशल्यादि राम महतारी, प्रेम बिबश तन दशा बिशारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। दिए दान विप्रन विपुल, पूज गणेश पुरार। प्रमुदित परम दरिद्र जनु, पाई पदारथ चारि। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। अनेक प्रकार के मंगल कलश घर घर पर सजाए गए। रघुनाथ जी महाराज की पावन पूरी अयोध्या को देख करके सभी देवता बड़े मोहित हो रहे हैं और उस नगरी की सराहना कर रहे हैं। उस समय राजमहल अत्यंत शोभित हो रहा है। उसकी रचना को देख करके कामदेव का मन भी मोहित होते जा रहा है। मंगल शकुन मनोहरता, रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति सभी प्रकार से सुहावनी लग रही है। सभी प्रकार से उत्साह और आनंद बना हुआ है। ऐसा लगता है मानो आनंद सहज सुंदर शरीर को धारण करके दशरथ जी के घर में छा गया है। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के दर्शनों के लिए भला किसको लालसा नहीं है। हर व्यक्ति हर नगर का नागरिक परमात्मा के मंगलमय दर्शन को प्राप्त करने के लिए लालायित है। सुहागिनी स्त्रियां झुंड के झुंड बनाकर के चलती हैं, जो अपनी छवि से कामदेव की स्त्री रति को भी निरादर करती हो, ऐसी सुंदर स्त्रियां परमात्मा के दर्शन को लालायित होकर के दौड़ रही हैं। सभी अपने साथ सुंदर मंगल द्रव्य और सुंदर आरती की थाली को सजा करके जा रही है और साथ में गीत गा रही है। ऐसा लगता है मानो बहुत सारी मां शारदाएं वेश बना करके यहां पर आ गई हो। राजमहल में आनंद के मारे इतना शोर हो रहा है, उस समय के सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। इधर माताएं भी मन में बड़ी प्रसन्न है। मां रघुनाथ जी महाराज के दर्शन को प्राप्त करने के लिए इतनी इतनी लालायित हो रही हैं कि प्रेम के विशेष वश होने से अपने शरीर की सुध बुध भी भूल गई। माताओं ने गणेश जी और भगवान शंकर का पूजन करके ब्राह्मणों को बहुत सा दान दिया। वे इतनी प्रसन्न हुई मानो अत्यंत दरिद्र व्यक्ति को चारों पदार्थ मिल गए हो। मोद प्रमोद बिबस सब माता, चल ही न चरण शिथिल भय गाता। राम दरस हित अति अनुरागी, परिछन साजु सजन सब लागी। विविध विधान बाजने बाजे, मंगल मुदित सुमित्रा साजे। हरद दूब ददि पल्लव फूला, पान पूग फल मंगल मूला। अचत अंकुर लो
लोचन लाजा मंजुल मंजरी तुलसी बिराजा चूहे पुरट गट सहज सुहाई मदन सकुन जनु नीड बनाए सगुन सुगंधन जाही बकानी मंगल सकल सजही सब रानी रचियारती बहुत विधाना मुदित करही कल मंगल गाना जय सिया राम जय जय सिया रामा 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 कनक धार वरि मंगलनी कमल करन लिए मां चली मुदित परिचन करन पुलक पल्लवित गात सियावर राम चंद्र पद जय शरणम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। गणेश जी और भगवान शंकर का पूजन करके माताओं ने ब्राह्मणों को बहुत सारा दान दिया। वे ऐसी प्रसन्न हो रही हैं मानो अत्यंत दरिद्री व्यक्ति को चारों पदार्थ मिल गए हो। सुख और महान आनंद से विवश होने के कारण माताओं के शरीर शिथिल हो गए हैं, उनके चरण चलते नहीं हैं। श्री रामचंद्र जी के दर्शनों के लिए उनके मन में बड़ा अनुराग है। उस अनुराग को अपने हृदय में धारण करके परछन्न का सभी सामान सजाने लगी। अनेकों प्रकार के बाजे बज रहे हैं। अब सुमित्रा जी ने आनंद पूर्वक मंगल साज सजाए। क्या क्या सजाए? हरद दूब ददि पल्लव फूला पान पूग फल मंगल मूला। हल्दी दूब दही पत्ते फूल पान और सुपारी आदि सारी मंगल की वस्तुएं अपनी थाली में सजा दी। और क्या क्या रखा? अक्षत अर्थात चावल, अखुए, गौरोचन, लावा और तुलसी की सुंदर मंजीरियां, वो भी उसने विभिन्न रंगों से चित्रित किए हुए सहज ही सुहावने सुवर्ण के कलश भी ऐसे मालूम पड़ते हैं मानो कामदेव के पक्षियों ने घोंसले बना करके रखे हो। शकुन की सुगंधित वस्तुएं बखानी नहीं जा सकती। अब सभी रानियां संपूर्ण मंगल साज सज रही हैं, बहुत प्रकार की आरती बना करके आनंद से परिपूर्ण होकर के मंगल गान कर रही हैं। कनक थार भरी मंगल नहीं कमल करनी लिए मात चली मुदित परिछनि करन पुलक पल्लवित गात। सोने के थालों की मांगलिक वस्तुओं से भर के अपने कमल के समान कोमल हाथों में लिए हुए माताएं बड़ी आनंदित होकर के परछन करने लगी। उनके शरीर पुलकित हो गए हैं। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय।